इसी पे ये आपने जो चार्ट बनाया हुआ है, इसी पे जो वीकली की नीचे डिमांड जोन थी बड़ी हुई, वो 2180 गालबन समथिंग बनती है, मैंने परसों देखा डिटेल में ये, यहाँ अच्छा, तक। वही वही मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा, एक तो डिमांड जोन है ना, एक मैं आपको चीज दिखाता हूँ, गोल्ड ना बड़े अरसे के लिए एक ही पॉइंट से ना रिजेक्ट होता रहा है, वो ये पॉइंट है, ठीक है। एक बार, दो बार जी और ये तीसरी बार तीसरी और बार, चौथी बार फिर ब्रेक कर गया। ये जो विक्स है ना, विक्स गोल्ड के अंदर ये बड़ी मैटर करती है। अब आप ये विक देखते होंगे, ये वाली जी नजर आ रही है विक, ठीक है। इससे पहले कोई इंटरेस्ट रेट का फैसला आ गया ना, तो फिर बेशक कर लीजिएगा, अभी नहीं आया ना, अभी इसके लिए कह रहा हूँ। अब ये विक जो है ना, ये एक सपोर्ट है, इससे ऊपर आपको डिमांड भी नजर आ रही है, दोनों चीजें इकट्ठी हैं। जी विक सपोर्ट किस तरह है, उस वो रूल जो हम अप्लाई करते हैं शिफ्टिंग ऑफ जोन वाला एडवांस में। जी ये D1 में तो छोटी भी चीज बड़ी एक्यूरेट होती है, सिंपल चीज भी बड़ी एक्यूरेट है। अब ये ऊपर डिमांड भी है, तो सर ये वो जो एरिया है ना, अगर इस एरिया के अंदर मार्केट आती है तो आप खरीद लें लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अब किस बेस पे खरीदेंगे, अगर मार्केट यहां से बाय भी चली जाती है तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मेरे पास कोई चीज नहीं है खरीदने को, मतलब मैं तुके पे तो खरीदूंगा नहीं। और मैं मजे की बात बताऊं, यहां पे ना डाइवर्जेंस वगैरह का पता आपको आइडिया है, जी सर आपने बताया। वॉल्यूम में ही देख लेते हैं, वैसे वॉल्यूम में डाइवर्जेंस नहीं देखते। डाइवर्जेंस होती है RSI इंडिकेटर की मदद से, या MACD इंडिकेटर होता है, देखा जाता है। आप RSI को देखते हो ना, तो मार्केट के अगेंस्ट मूव कर रहा होता है। मैं एक मिनट यहाँ पे, ये देखें यार, अच्छा डाइवर्जेंस आपने ट्रेड नहीं करनी, मैं वैसे बता रहा हूँ। डाइवर्जेंस जो है ना, समझ लेंगे इंडिकेटर में, वैसे इसका कोर्स पड़ा हुआ है बूम एंड क्रैश के ऊपर ना, मैंने प्ले लिस्ट डाली, लेकिन इसको अहमियत देंगे ना, ये प्राइस एक्शन का ही एक हिस्सा होती है। अब ये क्या है, ये मैं भाई को समझा रहा हूँ, भाई के सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि बाय कर लेनी चाहिए नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ना टेक्निकली मार्केट ना हायर हाई बना रही है, हायर हाई है ना, जी ये था हाई और फिर ये हायर हाई मार्केट ने बनाया। अगर आप इसी के नीचे, इसी की सेध में, या इसी सेध भी चाहोगे ना, ये नीचे देखें, ये क्या मार्केट कह रही है कि मार्केट बाय के स्विंग जरूर बना रही है, मार्केट में बाय का वॉल्यूम नहीं है, नहीं ठीक है। एक तो ये कि लिक्विडिटी भी नहीं है मार्केट में, मूवमेंट भी नहीं है, रुकी हुई है मूवमेंट। दूसरा, ये भी आपको इंडिकेट कर रही है, ये जो स्विंग है ये आपको कह रहा है कि मार्केट ने, अब डाइवर्जेंस में होता क्या है कि मार्केट स्पाइक मार सकती है डाइवर्जेंस में। अब स्पाइक अगर नीचे आ सकता है तो आपको पता, आपको ज्यादा फायदा, अब जितनी लो से खरीदेंगे उतना फायदा। तो अभी कोई रीजन नहीं है, रीजन एक ही है, वो आपको पता फंडामेंटल है, वो अगर हो जाता है बेशक कर लीजिएगा, बेशक लेट कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, जब भी समझ आ गया ना वो रीजन, फैसला हो गया, थोड़ा बहुत मूव भी हो गया, आपको थोड़ी लेट समझ आई, कर लीजिएगा फिर। वो रीजन इंटरेस्ट रेट का जी, वो पढ़ा हुआ है ना आपने, वो तो जी क्लियर है, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी क्लियर है।